अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नाजिया मंसूर और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने न्यू चैनल बनाया है और थैंक यू सो मच जिस जिसने सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियोस को आपने देखा, कमेंट्स किए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहा करें। और अब आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि अब आगे कौन सा टॉपिक होगा जिस पर मैं आप लोगों से कर सकूँगी बात और आप करेंगे मुझसे सवाल जवाब। फ़िलहाल चलते हैं, देखते हैं कि आज पाकिस्तान में कौन सी न्यूज़ जो थी, कौन सी खबरें गश्त कर रही थी। तो यहाँ सबसे पहली खबर जो मुझे नज़र आ रही है वो है वज़ीर आज़म का शुक्रिया, महकमा जंगलात के शहीद अहलकार के वालिद ने शहदा पैकेज का मुतालबा कर दिया। जी यहाँ पर ये खबर खैबर पख्तूनख्वा से है जो मैंने शामिल की है और इसकी तफसीलात से ज़रा नज़र डालते हैं, पता चले कि क्या हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के शहर चित्राल में चमरकंद जंगल में आग बुझाने के दौरान शहीद होने वाले महकमा जंगलात के अहलकार जमशेद इकबाल के वालिद ने ताज़ियत करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि जमशेद इकबाल की फैमिली को शहदा पैकेज दिया जाए। बिल्कुल जी, शहीद किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, जो कि पाकिस्तान जो किसी बड़े अरसे से किसी भी शोबे से में मुलाजमत करता रहा है, उसको पैकेजेस ज़रूर देने चाहिए, उसकी फैमिली को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट ज़रूर मिलनी चाहिए। और बस ये कि आप लोग भी, अभी जो सिचुएशन चल रही है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है कोविड के हवाले से भी, तो एक दूसरे का ख्याल रखा करें बहुत ज़्यादा, खासकर आप अपने पड़ोस में भी ज़रा देख लिया करें कि आपके पड़ोसी कहीं परेशान तो नहीं है। वेल, यहाँ पे चलते हैं दूसरी खबर की जानिब। और दूसरी जो खबर है वो है ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून को हिरासा करने का वाकया, मजीद मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। अपनी नौयत का एक बहुत ही अजीब ये वाकया है जो इकबाल पार्क में पेश आया। और बस मैं यही कहूँगी कि जब तक मुझे इस वाक़े के हवाले से पूरी तस्दीक नहीं हुई थी, पूरी खबरें जो थी वो मौसूल नहीं हुई थी, तब तक मैं काफ़ी अपने बयान में कह रही थी कि जो औरत है वो सेफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है मामला बिल्कुल चेंज निकला, वो ये था कि ये जो मोहतरमा थी ये अपने टिकटॉकर के फॉलोवर्स को कह के इन्होंने पैगाम दिया टिकटॉक पर कि 14 अगस्त को ये 14 अगस्त मनाने के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंच रही हैं, तो इनके फॉलोवर्स जो हैं वो इनके साथ सेल्फी मनाने आ जाएं। एक औरत को ये बात जेब नहीं देती कि वो अपने फॉलोवर्स को किसी ऐसी जगह बुलाए जहां बहुत ज़्यादा रश हो और साथ में कोई भी सिक्योरिटी का कोई भी अमला साथ नहीं था। तो बहुत ही बुरा ये वाकया था, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे लोगों से बचा के रखे जो पाकिस्तान की का नाम जो है पूरी दुनिया में ख़राब करते फिर रहे हैं। यहाँ पर जो है एक खबर और हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, नादरा के हवाले से शनाख्ती कार्ड की तस्दीक और तजदीद के नए इंतज़ाम निज़ाम का इजरा किया गया है। नादरा ने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक और तजदीद के नए निज़ाम का इजरा कर दिया। नए निज़ाम से तस्दीक की जा सकती है, ख़ानदान में कोई अजनबी या गैर मुतालिका फ़र्द तो रजिस्टर नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि दूसरे ममालिक के बनिस्बत हमारे मुल्क के अंदर थोड़ा सा ये निज़ाम जो है ये थोड़ा कमज़ोर है कि कोई भी हमारे मुल्क में आता है तो वो यहाँ बस जाता है, उसका जो पहले से जहाँ से वो ताल्लुक़ रखता है उस पर हमें बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा एक जो नया निज़ाम का इजरा करने जा रहे हैं, नहायत ही अच्छी बात है, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी है वो और इससे मजबूत हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर बात करते हैं एक और न्यूज़ के हवाले से, रिक्शे में खातून से बदसलूकी करने वाले मुलजमान की शनाख्त हो गई। लाहौर के इलाके रावी रोड में जश्न आज़ादी की रात रिक्शे में सवार खवातीन से बदसलूकी करने और वीडियो बनाने वाले शख्स की शनाख्त हो गई। एक तो मुझे आजकल ये समझ में नहीं आता है कि पहले का ऐसा दौर था कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा होता था तो लोग छुड़वाने के लिए पहुंच जाते थे कि लड़ाई ख़त्म हो जाए, लेकिन आजकल ये देखने में आ रहा है इतनी बेहिसी फैलती जा रही है कि लोग किसी को गलत काम से रोकने के बजाय वीडियोस बना बना के उसे वायरल कर रहे होते हैं। नहायत ही अफसोस का ये मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्हें इस तरह से रिकॉर्डिंग करने का बहुत शौक़ है। तो आप अपने माशरे को अगर अच्छा करना चाहते हैं
तो अपने आप से शुरू कीजिए, और कोई गलत काम होता देखें तो उसे रोकने की कोशिश कीजिए, और अगर हिम्मत ना हो रोकने की तो बराए मेहरबानी खामोशी के साथ वहाँ से चले जाया कीजिए, ना कि वीडियो बना के उसे वायरल करें। ये भी एक बहुत ही अजीब सा एक वाक्या है कि खातून के साथ बदसलूकी की है। देखिए, मैं यहाँ पर इस हवाले से एक बात कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ कराची में रहती हूँ, कराची की मैं रिहायशी हूँ, मैं भी अकेले अक्सर चली जाती हूँ, और मैंने जो चीज़ एक नोट की है, पहले मैं इस चीज़ को कहती थी कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अब मेरी सोच इस वाक़े के बाद से बहुत ही ज़्यादा बदल गई है। औरत को बेशक ऐसे लोग हैं जो बग़ैर कुछ कहे औरत को हरासमेंट करते हैं, लेकिन अब जो माहौल आ गया है, टिकटॉकर्स को देख लें आप और दूसरी जो वीडियोज़ हैं उसके हवाले से जब हम देखते हैं तो उसे पता चलता है कि अब औरतें हरासमेंट करती हैं। बेशक इस्लाम में मर्दों के पर्दे के हवाले से बात की गई है, उसके बाद औरतों के पर्दे के हवाले से बात की गई है, लेकिन अब ना तो मर्द इतने अच्छे रह गए हैं और ना ही औरत। तो अगर कोई औरत ख़ुद दावा देती है किसी मर्द को या बहुत सारे मर्दों को, तो फिर ऐसे अजीब और गरीब वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन ये भी, ये रिक्शे के हवाले से अगर मैं बात करूँगी तो बहुत ही अजीब बात है, हमारे यहाँ बसेस में भी अक्सर ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि जो लोग बसेस में या रिक्शे के अंदर औरत को हरासमेंट करें, औरत जो है वो चीख पुकार करती है तो बहुत सारे भाई और बहुत सारे जो लोग हैं वो आ जाते हैं। तो मर्दों से भी मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि औरतों की इज्जत क्या करें वो मर्द। अच्छा, मैं इसलिए थोड़ा सा बदनाम हो चुकी हूँ, लोग कहते हैं आप हर मर्द को कहती हैं, मैं हर मर्द को नहीं कहती। अगर मीनारे पाकिस्तान में जो 400 मर्द थे, अगर मैं उनके हवाले से बात करूँ तो ऑब्वियसली मैं उनके हवाले से बात करूँ, यहाँ अच्छे मर्दों का तो नाम ही नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने मर्द को बहुत खूबसूरत बनाया है, मर्द हाकिम है, अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है, तो बहुत खूबसूरत और प्यारे मर्द हजरात भी हमारी इस दुनिया में बसते हैं। चलें, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, अब देखते हैं दूसरी खबर क्या है हमारे पास। शामिल करते हैं एक और यहाँ पर खबर। पंजाब में बच्चों के अगवा की वारदातों में मुलव्वस गिरफ्तार मुलजमान ने हौलनाक इंकशाफ किए हैं। बच्चों की फरोख्त के हवाले से दिए गए बयान पुलिस हुकाम में खलबली मच गई। बराए मेहरबानी ऐसे दौर में अपने बच्चों को बाहर खेलने ना भेजा करें, और जिस तरह का वक्त चल रहा है बच्चों को, खासकर बच्चियों को घर में रहने की आदत डालिए। जी, यहाँ पर नेक्स्ट खबर है, खवातीन के साथ बदसलूकी के बढ़ते वाक़यात। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला पंजाब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। क्या वज़ीर आला पंजाब के मुस्ताफ़ी होने से ये मसला हल हो सकता है? आगे देखते हैं। पंजाब के तर्जुमान ने ख़वातीन के साथ बदसलूकी के बढ़ते वाक़यात पर इजहार तशवीश करते हुए वज़ीर आला पंजाब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। जनाब, मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा है, मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से मुतालबा करती हूँ कि हमारे तालीमी निसाब में हमारे दीन के हवाले से हर चीज़ शामिल की जाए, और जब तक हम दीन इस्लाम से करीब नहीं आएंगे इस तरह के वाक़यात हम देखते रहेंगे, क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उनका ट्रैक जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। देखते हैं यहाँ पर दूसरी न्यूज़ क्या है। लीजिए, एक और जो ख़बर है बहुत ही अजीब और ख़तरनाक, हौलनाक, दिल दहलाने वाली ख़बर मैं आपको दे रही हूँ। कराची में एक शख्स ने अपनी साबका बीवी को तेज़ाब फेंक कर जला डाला। ना जाने कि हमारे खूबसूरत मज़हब में शोहर और बीवी के हवाले से इतनी सारी बातें मौजूद हैं, लोग इस तरह की हरकत क्यों करते हैं। शहर कायद में खातून का टिकटॉक बनाना जुर्म बन गया। साबिक शोहर ने अपनी 19 साल बीवी को तेज़ाब फेंक कर जला दिया। मुतासरा खातून की वालदा का कहना है कि तलाक देने के बावजूद साबिक शोहर रास्ते में तंग और परेशान करता था। ये हालात हो गए हैं जनाब यहाँ पर, कि वो मर्द जिसे अल्लाह ताला ने, जिन्हें अल्लाह ताला ने औरत के लिए हाकिम बनाया है, सरपरस्त बनाया है, औरत की हिफाजत करने वाला बनाया है, अब वही औरत को मार डालते हैं, हरासमेंट करते हैं, औरत की इज्जत ख़राब करते हैं। मेरी ये दुआ है कि जितने भी मेरे मुसलमान भाई ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ, कोशिश कीजिए कि दीन इस्लाम से करीब हो सके। आज की सबसे आखिरी और मज़े की खबर, जो जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है पता, वहदानियत का अल्लाह ताला की पता चलेगा कि अल्लाह जिसे चाहे
जिंदा रखता है। वो क्या कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन रखे। वो इंसान जो दो एटमी धमाकों के बावजूद जिंदा रहा, लेकिन कैसे, देखते हैं कैसे। इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन पर किस्मत की देवी बहुत मेहरबान है, और मेहरबान भी ऐसी कि मौत भी कई बार रास्ता छोड़कर गुजर जाती है। एक ऐसा ही खुशकिस्मत आदमी टोटोमो यामागोची है। दुनिया के इस खुशकिस्मत तरीन शख्स की कहानी कितनी ज़्यादा जो है नाकाबिल यकीन है, देखते हैं। नागासाकी के रिहायशी टोटोमो हिरोशिमा गया तो वहाँ इसकी मौजूदगी में एटम बम गिरा। इस हादसे में इसके जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा जल गया, जो कि मामूल के इलाज के बाद वो सेहत याब हो गया। फिर उसके बाद जो है जी जनाब, ये जो शख्स थे ये वापस अपने शहर नागासाकी पहुंचा तो तीसरे दिन भी एटम बम गिरने का वाक़या पेश आया। इस बार भी वो मुकम्मल तौर पर सलामत रहा। और जी बिल्कुल बेशक ऐसा ही है कि अल्लाह जिसे चाहे उसे ज़िंदगी डूबते को तिनके का सहारा। और आज की इन खबरों में बहुत सारी खबरें दिल दहलाने वाली थी, और मेरी आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपना और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखिए। मुसलमान होने की हैसियत से किसी को धोखा ना दीजिए, मुसलमान होने की हैसियत से झूठ ना बोलिए। इस बात पर यकीन रखिए कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में सवाल ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पर आप तमाम लोगों से तबसरा करूं, आप मुझसे सवालात करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उन तमाम सवालात का जवाब दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।